तेरे को देखता हूँ ना, मेरे को मेरी जवानी याद आती है। रूम में बिठाया उसने, शर्ट निकाल, पैंट निकाल, अरे बाप रे, अरे 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 अरे, वो एकदम खुश हो गया। गोविंदा भी इनसिक्योर होते हैं, वो कमी नहीं है। ये केड़ा हीरो ले आया, इसकी हाइट भी है, बॉडी भी है, दिखता भी अच्छा है, मैं इसके साथ डायलॉग नहीं बोलूंगा। तो अभी वो पकड़ा, वो काय का छोड़ता है, आग वाग कुछ भी जाने दो। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। आज ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में हमारे साथ है वो पर्सनालिटी जिनके लिए क्या कहूं कि अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर रहे हैं। सिक्स पैक एब्स ये तो आज एक्टर्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इनके पास 85 में सिक्स पैक एब्स थे। सबसे डिसिप्लिन्ड एक्टर ये थे और ये हैं हमारे वेरी ओन, हमारे इंडिया के टार्जन, मिस्टर हेमंत बिरजे। थैंक यू सो मच, इतनी तारीफ कर दी अभी आपने, क्या बोलूं मैं। हेमंत जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू। हेमंत जी, आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में हम आप ही के मुंह से आपकी जर्नी सुनेंगे। फिल्मी जर्नी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं लोग, लेकिन फिल्मों में आने से पहले वाली जो जर्नी है आपकी, वो ज्यादा फिल्मी है, उसकी कहानी बहुत फिल्मी है, तो वो हम सुनना चाहेंगे। कहाँ से आप है, बचपन कहाँ बीता, परिवार में कौन कौन है? मैं आई बॉर्न इन पूना, पूना में पैदा हुआ, तो बड़ा कमज़ोर हुआ करता था, फिर सडनली हाइट बढ़ गई 6 फीट, यू नो, ऐसा लगता था कोई झाड़ चल के आ रहा है, इतना पतला था। कभी ऐसा मजाक बनता था हाइट के कारण कि क्या बस लंबाई हुए जा रहा है? उस जमाने में अमिताभ बच्चन का वक्त चल रहा था, तो बोले हाँ यार लंबू लंबू लोगों का डिमांड हो गया। तो ठीक है, फिर माय फादर यूज टू डू एक्सरसाइज, मेरे फादर, तो मैं उनके साथ में आई यूज टू डू, करते 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 एक जिम का शौक लग गया, जिम करना है, जिम करते रहे, फिर कंपटीशन करना, तो ऐसे करके मैंने मिस्टर इंडिया तक कॉम्पीट किया। जी, किस साल की बात होगी ये? 1982-83 दोनों साल। जी, मिस्टर पूना, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, यू नो, मिस्टर सैमसन, बहुत सारे टाइटल होते हैं, वो जीतते चला गया। जी, तो I was studying in Wadia College, Mumbai, Pune. Very famous college, Wadia College, very big college. और हमारे senior super duper star राजेश खन्ना उसी में पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन वो senior थे, हम लोग तो junior हैं उनसे। कमाल के great actor and great man. तो वैसे college में जाते थे, पढ़ाई में तो बहुत खराब थे, you know. एक क्लास में दो दो साल, तीन तीन साल निकाल रही, ये वाली हालत थी। मतलब आम से ज़्यादा वक्त कॉलेज में निकाला है। कॉलेज में निकाला, मज़ा भी आती थी कॉलेज में। और तो उन दिनों एक शूटिंग चल रही थी पुणे में, एक कॉलेज है डेक्कन कॉलेज। जी। वहाँ पे देवानंद साहब शूटिंग कर रहे थे फिल्म हम नौजवान। तो हमारे यहाँ के अभी अपने घर के यहाँ शूटिंग हो रही, तो चलो देखते यार शूटिंग में, यू नो, शूटिंग देखने गए, तो शूटिंग पे पूरा यूनिट मेरे को देख रहा है, ये कौन आ गया। आई वॉज वेरी बिग, अभी तो कम कराया बॉलीवुड वालों ने बॉडी, तो आई वॉज वेरी बिग। तो हमारे कुछ सीनियर थे, उन्होंने देव साहब को बोला जी। अरे देव साहब, हमारे लड़के को हीरो बनाओ, इसको हीरो बनने की क्या जरूरत है, ये तो हीरो लगता है। देव साहब ने दो तीन पेट में मारे, चलो बात निकली, एब्स चेक किए, एब्स चेक किए देव साहब ने। फिर देव साहब अपना पैकअप किया, शूटिंग उनकी खत्म हो गई, वो चले गए। उस बीच में एक और शूटिंग चल रही थी एयरपोर्ट पे, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी एंड ऑल। तो ऐसे मिलते एक्टर लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब कैसे सर, बोले यार तुम बॉम्बे जाओ हीरो बन सकते हो, इधर क्या कर रहे हो पुणे में। चलो वो भी बात गई, आ गए। तो होली का दिन, ठीक है, होली का दिन, और पुणे में तो ऐसा होली होती है कि भांग पिए,
कोई सिल्वर कलर लगा रहा है, कोई काले कलर, अजीब से कलर लगाते हैं और झाड़ के नीचे बैठे हुए नशे में भांग पी के। सडनली एक टैक्सी आके रुकती है, देखा उसमें से दो तीन आदमी उतर के आए। मैं बोला टैक्सी पुणे में बहुत कम दिखती है, उस जमाने में तो कम होती थी टैक्सी, मतलब बॉम्बे ओनली है जी। तो आए बोले सर आपको बॉम्बे चलना है। मतलब क्यों? बोले वो एक पिक्चर बन रही है टार्जन, उसके लिए हीरो चाहिए। मतलब मेरी हालत देखी, कलर काला नीला पीला सिल्वर है ना। बोले नहीं नहीं सर आप दो घंटे ले लो, आप रेडी हो जाओ जी। तो रेडी हुआ, फिर बॉम्बे के लिए निकले। बॉम्बे आए, ज्योति स्टूडियो एक स्टूडियो हुआ करता था बॉम्बे में जी। मैडम मुगले आजम ये वो बड़ा साहेब ठाकरे वहाँ पे एक ज़माने में काम करते थे। तो उधर रात में स्टूडियो में फ्लोर था बड़ा, सेट लगा हुआ था, उधर लाके छोड़ दिया। मैंने देखा सडनली अंदर 8-10 बॉडी बिल्डर और है। अच्छा। और ऑल आर सीनियर, उनमें मैं जूनियर। अच्छा। मैं भी पहचानता था उनको भी, तो आई टू कॉम्पिट। देखा तो मैं बोला यार ये तो सब अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, कोई बात नहीं, वो सब रात को टार्जन कॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बहुत शर्मिला चुपचाप बैठा हूँ देख रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह हो गई, चलिए सुभाष जी के पास चलते हैं। अब सुभाष जी के यहाँ आती है 4-5 टैक्सी भर के ऑफिस के पास गए, जू तारा रोड पे ऑफिस, किशोरदा के बंगले के बाजू में। सब लाइन से खड़े किए गए, सुभाष जी देखे देखे मेरे को देखा, तुम आ गया हो तुम, शर्ट निकालो घूम जाओ। तो उनके एक पार्टनर थे, मुझे बात किया और मेरे को एक 1500 रुपीस निकाल के दिए। तो मैं बोले आप हमारी पिक्चर कर रहे हो, आप टार्जन के लिए सिलेक्ट हैं। बोला ठीक है, थैंक यू सर। वो मैंने देखा जब मैं उनके ऑफिस में गया तो एक पोस्टर लगा हुआ है, डिस्को डांसर सुपरहिट पिक्चर। यस। तो खुशी होती कि इतने बड़े पिक्चर बना, डायरेक्टर है। फिर बाजू में देखा एक और पोस्टर, कसम पैदा करने वाले की। यस। और भी पोस्टर थे कई सारे, ये दोनों पिक्चर तो मैंने देखी हुई थी। तो ठीक है, मैं बोला सर घर जाता हूँ मैं, और घर वाले को भी बताना है। तो बोले नहीं 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 नहीं, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नहीं, बोलना तो पड़ेगा, मैंने कपड़े भी नहीं लाए सर। तरे। कपड़े भी नहीं लाए। बोले ऐसा है, कपड़े हम खरीद लेंगे, घर पे आप फोन कर दो, जाने का नहीं। उनको लगा ये गया वापस तो वापस आएगा क्या? नहीं, एक परफेक्ट उनको कॉम्बिनेशन मिल गया था, हाइट, मासूम फेस और बॉडी, है ना। छोड़ा नहीं उन्होंने। 6 महीने हो गए, पिक्चर कंप्लीट हो गई, रिलीज हो गई, फिर बोले अब तुम जाओ घर, अब जा सकते हो हेमंत आप घर। ये कहानी है टार्जन मिली, मतलब भांग के नशे में मिली पहली फिल्म और उसके बाद 6 महीने तक घर नहीं गए, मतलब लिटरली ऑल लक। हाँ, यहाँ 6 महीने रह के। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कई जगह मेंशन है कि आप एक वॉचमैन की जॉब करते थे, वहां से आपको भी सुभाष ने उठाया एंड देन आपको ये रोल ऑफर किया, ये कहानी कहाँ से आई? ये सब एक नंबर झूठी कहानी है। जब व्हेन आई वाज स्टडिंग इन वाडिया कॉलेज, वॉचमैन कहाँ से बना? एग्जैक्टली, मिस्टर इंडिया कॉम्पीट कर रहा हूँ। और मैं, मेरे फादर मतलब अच्छे घर से है, तो वॉचमैन की नौकरी और मेरे जैसा वॉचमैन की करूँगा क्यों? मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई मेरे ऊपर डोमिनेट करे, फिल्म वालों के अलावा। अच्छा। हाँ, मेरा डायरेक्टर कुछ भी बोले, असिस्टेंट बोले, फिर भी चल जाएगा, लेकिन मेरे को और कोई आदमी डोमिनेट नहीं कर सकता। आई एम लियो और एक नंबर हूँ। अच्छा। तो नंबर टार्जन बनने के लिए आपको वैसे कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी, आपने बाल ऑलरेडी बढ़ा रखे थे, वैसे ही थे बाल बड़े थे मेरे। एक हमारे यहाँ पे आर्मी एरिया है, फुल ऑफ आर्मी है। अच्छा। स्पेशली जिधर मैं रहता था वो पूरा आर्मी एरिया है। तो उसमें थिएटर है बड़ा, 70 mm से भी बड़ा थिएटर। तो उसमें वीक में 3 पिक्चर होती है आर्मी वालों के लिए।
करेक्ट। तो मेरे रिलेटिव भी आर्मी में थे, बोलते थे आ जा देखना पिक्चर। तो उधर मैं जाता था, देखता था, टार्जन पिक्चर आती थी महीने में एक दो बार। टार्जन पिक्चर आती थी जॉनी वेस्टमिलर की, जो भी पुरानी टार्जन है। तो वो कैरेक्टर दिमाग में घुस गया था। अच्छा अच्छा, वो क्या करता था, स्कूल पर जाते थे ना, स्कूल में नाइन्थ या टेंथ में, स्कूल नहीं जाते थे, जंगल में घुस जाते थे। उधर जंगल था, रिवर थी और जंगल था। बैग लगा दी झाड़ पे, स्विमिंग किए, टार्जन कॉल दिए, दिन भर स्विमिंग कर रहे। यही तो आप ऑलरेडी खुद ही कर रहे थे, पहले से ही तैयारी कर रहे थे, पहले से ही ऊपर वाले ने सब दिमाग में डाल दिया। तेरे को करना है बेटा, अभी से प्रैक्टिस कर। तो देखो ये भी कमाल है। तो आप शिवाजी को कभी पूछना, मैंने रिटेक नहीं दिया पिक्चर में। रियली? मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि चलो लुक्स बॉडी तो ठीक है, लेकिन कैमरा के सामने एक्टिंग का क्या? शिवाजी ने बोला मैंने देखा है यार, तूने कभी रिटेक नहीं दिया पिक्चर में। यू आर शिवाजी। तो पहले दिन तो ये हुआ, बोल देता हूँ मैं, सेट पे गया मैं, एस एल स्टूडियो में सेट, और उधर शूटिंग चल रही कर्मा की, सुभाष भाई, नूतन जी, दारा जी, अनिल कपूर, जैकी और कर्मा की शूटिंग चल रही। मैंने देखा सब बड़े बड़े एक्टर है, और मेरे सेट पे ना सारे आके खड़े हो गए बॉडी देखने के लिए आ जाते थे कौन आया। तो अब मेरे को बड़ा डर लगा, शर्म आ रही है, डर लग रहा है, कभी किया नहीं, हालांकि बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस था स्टेज का। तो सुभाष जी बोले इधर आओ, ब्रिजेश वो प्रोडक्शन वाला था, इन्हों ले जा और जरा आओ मेरे को ले गया, आओ जी पाजी आओ। उधर ले गया, बोलता है दारू भरी, बोलता है पियो। अरे मैं बोला यार दारू, अरे धर्मेंद्र भी पीता है, तू भी पियो, कोई बात नहीं। एक दो पैक पिलाए, फिर तो शेर बन गया सेट पे आके। मतलब नशे का और आपका एक अलग ही कॉम्बिनेशन रहा है। नशे में पहली फिल्म का ऑफर मिला और पहला दिन शूटिंग भी नशे में, जबरदस्ती। तो जब मैं आया इंडस्ट्री में तो उनका हीरो मिठुन था, सुभाष जी वो हीरो कौन लिया है, हेमंत उसको मेरे को भेजो, मेरे को देखने का है। ही वॉज शूटिंग इन महबूब स्टूडियो, मिथुन ने कहा था। अच्छा, तो सुभाष जी बोले अच्छा अच्छा ठीक है, उन्होंने अवॉइड किया। वापस कॉल दूसरे दिन, सुभाष जी आपने हीरो को भेजा नहीं। से दो तीन दिन कॉल आए मेरे को, बोले यार जा वो मिठुन बहुत पीछे पड़ा है, तू जाके मिल ले उससे। वो गया, मैं रूम में बिठाया, उसने शर्ट निकाल, पैंट निकाल, अरे बाप रे, अरे 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 अरे, वो एकदम खुश हो गया। कई सारे एक्टर मेरे को देखने के लिए सबने मतलब बॉडी ही देखी, मतलब सबने शर्ट उतरवाई ऑडिशन पे, फिल्म में, हर जगह, मतलब शर्ट उतार के ही इंडस्ट्री में आपकी जान पहचान बढ़ी। आप यकीन करेंगे संजय दत्त रोड के उस तरफ गाड़ी पार्क करके उधर से भाग के आके गले मिलता था, इज टू लव माय बॉडी यू नो। तो वो फिर ट्रेंड चालू हो गया बॉडी का जी। उसके बाद ही काफी बड़े एक्टर्स ने सबने बॉडी बनाना चालू किया। सबसे बड़ा एग्जांपल सलमान खान है, वो तो बैठा ही रहता था मेरे सामने दो दो घंटे पूरा टाइम। भाई अभी भाई शोल्डर हो गए, भाई ये मार रहा हूँ, भाई वो 70 मार रहा हूँ, मतलब मार अच्छी बात है यार। कुछ आपने टिप्स दिए कभी सलमान खान को? क्यों नहीं दूंगा, वो तो घर पे बुलाता अपन साथ में करते है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था, तीन तीन पिक्चरें करते थे। तो काफ़ी लोगों के उस जमाने के फिटनेस इंस्पिरेशन भी रहे हैं हेमंत विरजे। अच्छा, फिल्म के अंदर जो आपके ज़्यादातर सीन थे मतलब बिना शर्ट के ही थे, तो कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ कि सिर्फ एक शॉर्ट्स पहनना है और शूट करना है? अभी वो टार्जन तो कैरेक्टर ही था ऐसा, यस, जिसमें सिर्फ वो नीचे लेदर पहनना है, उसमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और बाकी पिक्चरों में फिर मैं नहीं उतारता नहीं था कपड़े जल्दी, नहीं बहुत जरूरी सीन है तो उतारूंगा नहीं। अच्छा, टार्जन के लिए ठीक। और ये शर्ट उतारने वाली चीज सलमान ने पकड़ के देखो कितनी बड़ी बना दी। आपको पहले ही चार्ज करना चाहिए था, पैसे दो तो शर्ट उतारूंगा। दोस्त है अपना, इज अ गुड फ्रेंड। टार्जन में इंटीमेट सीन्स करते वक्त कोई दिक्कत रही? काफी इंटीमेट सीन्स भी थे, चर्चा रही उन सीन्स की भी, लव मेकिंग सीन्स की? ऐसा अभी वो इतना मैं कंफर्टेबल हो गया था ना सेट पे, सुभाष जी लाइक अ फैमिली, किमी बहुत अच्छी थी, उसकी माँ बोलती थी हेमो, टीना जी थी जी, तुम किमी से शादी करेगा ना? हाँ मतलब करेगा करेगा। अच्छा। तो वो एकदम कंफर्टेबल माहौल बना दिया था, माहौल ऐसा था जी।
कि कभी फील ही नहीं हुआ और ऐसी पिक्चर बन गई, 6 महीने में बन के रिलीज और दो दो साल एक एक थिएटर में चली, प्लैटिनम जुबली। यस, सबसे बड़ी हिट उस साल आई थिंक मर्द फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जो बड़ी फिल्म हुई थी, और राम तेरी गंगा मैली आई थी, और ये दोनों फिल्में हिट होगी ये सबको पता था। राम तेरी गंगा मैली प्लैटिनम जुबली जी, टार्जन प्लैटिनम जी, दोनों के कैमरामैन एक ही, राधु कर्माकर जी, राज कपूर की। और जब टार्जन बड़ी हुई तो सभी तरफ उस फिल्म की चर्चा हुई, और हेमंत बिरजे जो नया चेहरा नया एक्टर है उसकी सभी तरफ डिमांड पड़ी। कहते हैं कि उसके बाद आपको बहुत फिल्में ऑफर हुई थी। मैंने 107 फिल्में साइन की। फिर तो फिर प्रोड्यूसर बोले बॉडी कम करो सर, बॉडी बहुत ज्यादा है। फिर कुछ एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ काम करने से मना कर दिया, बोले नहीं यार उसको मत लो उसके सामने। ऐसे 4-5 प्रोड्यूसरों ने, एक अनु मलिक, अबू मलिक अनु मलिक का भाई, उसने 21,000 बुला के दिए, बोले सर आप मेरी पिक्चर कर रहे हो, बोला ठीक है। सडनली एक हफ्ते में फ़ोन आता है, जोरदार पिक्चर, संजय दत्त में और गोविंदा, हेमंत डोंट गिव मी मनी बैक बट यू आर नॉट डूइंग माई फिल्म। मतलब क्या प्रॉब्लम है, बोले कोई एक्टर बोलता उसको मतलब। ऐसे कई पिक्चरों में हुआ मेरे साथ काम नहीं, पर्सनैलिटी स्क्रीन स्पेस खा जाएगा। इस मामले में मिथुन मेरे साथ दिल खोल के काम, मिथुन के साथ आपने बहुत फिल्में की, 20 फिल्में की होंगी। कैसा रहा एक्सपीरियंस मिथुन दा के बारे में कुछ बताइए। वो मिथुन दा जो है वो, मैं कुछ भी करूँ ना, हम तुम्हारा बड़ा भाई है ना, हमको बताएगा नहीं, क्या हम दादा है ना तेरा, क्या बात, दादा बताएगा ऐसा। मतलब जहाँ दूसरे एक्टर्स इनसिक्योर हो रहे थे वहाँ मिथुन ने आपको छोटा भाई कह के साथ लेके चले। कभी भी नहीं, उसने बहुत साथ दिया, ही इज वेरी नाइस गुड हार्ट मैन, यू नो अच्छा है मिथुन, अच्छा है नसीर भाई, अच्छे है। फिर तब कई जगह ये भी कहा गया कि शाहरुख खान भी अच्छा है जी जी, लेकिन संजय दत्त और गोविंदा हाइट से डर गए। नहीं संजय दत्त का नहीं मैं नाम लूंगा, वो तो बेचारा बहुत प्यार करता जी, इज अ गुड मैन जी, बट गोविंदा भी इनसिक्योर होते हैं, वो कमी नहीं है। एक पिक्चर हमने की थी जी, कौन करे कुर्बानी, अर्जुन इंगोरानी प्रोड्यूसर, जिन्होंने धर्म जी को हीरो बनाया, दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो शूटिंग पे साहब मैं पहले दिन आया, धर्म जी ने देखा, ओ अर्जुन इत्या ये केड़ा हीरो ले आया, इसकी हाइट भी है बॉडी भी है दिखता भी अच्छा है, मैं इसके साथ डायलॉग भी बोलूंगा। अच्छा ऐसा करता है मेरे साथ, मैं तेरे को रेलवे स्टेशन से लाके हीरो बनाया, मेरा पिक्चर खराब करेगा। जो बंद की दोस्ती थी, बहस चली मिली, फिर बाद में धर्म जी ने तो किया काम। फिर गोविंदा अड़ गया सेट पे, मेरे को धक्का नहीं देगा, ऐसे कई अच्छा होता है यू नो। तो शूटिंग कई बार रुकी रही, तो बाद में ठीक हुआ, चलता है ये। तो फिर वो हुई फिल्म की पूरी, हाँ फिल्म रिलीज हुई, कोई वेरी बिग प्रोड्यूसर अर्जुन इंगोरानी, हाँ जी, कब क्यों और कहाँ, कहानी किस्मत की, कातिलों के कातिल, सब उनकी पिक्चर है ऐसी। तो इस तरह से आपकी फिर कई फिल्में बंद हुई या रिप्लेस भी हुए उन फिल्मों में। हाँ, बहुत सी सारी फिल्मों में से। मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैंने 100 फिल्में साइन की थी, मेरी एज अ सोलो हीरो 35 फिल्में रिलीज हुई है एज अ सोलो हीरो। अच्छा क्या बात है, उसमें एक वीराना भी आई थी मेरी, मैं उसी पे आने वाली थी कि रामसे ब्रदर्स से कैसे मुलाकात हुई। वो मुलाकात होती नहीं है, वो कैच कर लेते हैं। अच्छा, कौन नया है मार्केट में मुझे पता नहीं है, रामसे की पिक्चर करना ठीक है या नहीं करना है। हाँ जी, उन्होंने साइन वाइन कर लिया। मैं आया ऑफिस सुहा जी के, क्या किया तूने, ओ वीराना पिक्चर साइन की तू रामसे की, बोला नहीं नहीं वो सीक्रेट पिक्चर है नहीं करने की। तो उस जमाने में हॉरर को सी ग्रेड बोलते थे, लेकिन वो हिट फिल्म थी, वो तो गोल्डन जुबली, हाँ बहुत बड़ी हिट थी वीराना, बहुत बड़ी हिट, आज भी लोग देखते हैं। वीराना की जहाँ बात हो रही है तो बहुत शानदार फिल्म है, हॉरर फिल्मों में वो उस फिल्म को बहुत पसंद किया जाता है, नंबर वन फिल्म। फिल्म की हीरोइन की क्या मिस्ट्री है, गायब ही हो गई, इतनी खूबसूरत जैस्मिन, और कहाँ है वो, मेरी बात होती है प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को, जैस्मिन है कहाँ है, क्यों नहीं है, अच्छी है। वो एक माँ बाप की इकलौती औलाद है, और उसने एक पिक्चर की थी विनोद खन्ना के साथ, सरकारी मेहमान, दूसरी मेरे साथ की जी, ये बहुत इससे नाम हो गया।
फिर वो पता नहीं सडनली कहीं गायब हो गई। अभी कुछ सालों पहले मैंने ऐसे ही फ़ोन किया तो बोले हाय वेयर आर यू ये वो, बोले मैं आपको फ़ोन करती हूँ। दूसरे दिन कॉल आता है मैंने आपके लिए बहुत सारे कपड़े लाए हैं, तो फिर मैं जाके मिल ही नहीं पाया, आई वॉज ऑल्सो बिजी। वो अमेरिका इधर उधर रहती है ज़्यादा, इंडिया में नहीं है वो, नहीं है वर्सोवा में रहती है लेकिन वो ज्यादातर अमेरिका में रहती है, वो बिजनेस है उनके। क्या कभी वापस कम बैक करने की बात करती है वो? नहीं नहीं, वीराना का जिक्र करती है वो कि यार इतनी बड़ी हिट फिल्म तब की थी? वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के बारे में ही बताते रहती है, पिक्चर के बारे में कुछ नहीं। और मैं हिंदुस्तान में जहाँ भी शो करने जाता हूँ तो मेरे को ये नहीं देखते कि हीरो आया है, मेरे को पूछेंगे सर एक बात पूछो नाला पूछो, वो हीरोइन का है जैस्मिन, अरे हीरो खड़ा है, हीरो का नहीं पूछते जैस्मिन का है, ऐसे उसके उनसे खूबसूरत एक्ट्रेस आज दिन तक नहीं देखी, एंड आई विश वो अभी भी इतनी खूबसूरत दिखती होगी। अभी तो देखना पड़ेगा। तो वीराना की एक्ट्रेस जैस्मिन है, मुंबई में है, घूमती है और अच्छी जिंदगी जी रही है, ये लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड ठिकाना के जरिए हेमंत बिरजे जी ने हमें बताई है। वीराना फिल्म में वो हवेली बहुत डरावनी थी, वो जंगल वाले सीन कहाँ पे थी, हवेली कहाँ पे शूट किया गया था? वो चाइना क्रीक एक जगह है जहाँ काफी फिल्मों की शूटिंग होती है, अमिताभ और काफी बड़े बड़े मुंबई में, हाँ घोड़बंदर रोड पे है। अच्छा, तो उधर वो हवेली भी है जी, और अंग्रेजों के जमाने की है और वो प्योर जंगल है, आम के बाग है हालांकि और जंगल भी है, ले नदियां है क्या क्या है उसमें, मतलब रात में आप शूट नहीं कर सकते इतना डर लगेगा। अच्छा, और जो गोरिल्ला की बात है जी, वो टार्जन में भी था जी, वो मेरे से 1 साल छोटा था लेकिन हाइट पर्सनैलिटी वो मेरे से इतना था, हाँ, और इतने बड़े बड़े एक एक उंगली थे उसके। अब वो साहब ऐसा हुआ कि किमी को देखा उसने, किमी मेरे साथ बैठती थी सेट पे, हेमू बात करती थी, शी वॉज वेरी नाइस वेरी फ्रेंडली, तो ये देखता था दूर से, मुझे नहीं मालूम नहीं मुझे गुस्से से देख रहा है। अभी किमी की माँ बहुत डर जाती थी, टीना जी, ए मैन वो हमको देखता है, अरे माला कुछ नहीं करता है, मम्मी नहीं रहे तो देखने दो ना। तो साहब उसने क्या बेचारा गुजर गया, बोलना भी नहीं चाहिए, उसने किमी के घर पे फोन शुरू कर दिया, उस जमाने में लैंडलाइन हुआ करती थी, हाँ। हेलो ओ मैं हेमंत तो बोल रहा हूँ, आपका नाम लेके, अरे उनकी माँ बोली ऐसी, वो और माँ बेटी बोली ऐसी आवाज हेमंत की कैसी हो, हाँ। लोग समझ गए वो है, हाँ। उन्होंने घर को ग्रिल व्हील लगा लिए, कहीं दरवाजा तोड़ के हम हमारे घर में ना आ जाए ना ऐसे। फिर उसने मुझसे गुस्सा कैसे निकाला, एक मेरी उसकी फाइट थी जी, जंगल में फाइट है, उसने मुझे ऐसा पकड़ा और मैंने उसके बाल पकड़े होते उसने ऐसा फेंक दिया उठा के, ही वॉज वेरी स्ट्रांग गाय, मैं भी स्ट्रांग था लेकिन वो उसके सामने नहीं था, तो मेरे हाथ में इतने बाल आए उसके। और आपको भी चोट आई? वो तो चलो वो थी रेत की जगह थी रेत जी, उसकी वजह से, और मुझे मैं ट्रेन था कैसे गिरना है, अगर फेंकता भी है कोई तो लैंड कैसे करना है, हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग की थी, तो चाहे ऐसे किससे होते है बेचारा अच्छा था, बट घूम फिर के गोरिल्ला आपके सामने आ जाता था जब भी फाइट सीन है हेमंत बिरजे का, तो वही लंबी और चौड़े आपके सामने लगते थे। वीराना में भी है, हाँ, तो और उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, आई थिंक 94-95 के आसपास काफी दिक्कत, और कहते हैं कि बीमारी के दिन में भी उन्होंने काम किया था, हाँ, आप थे कॉन्टेक्ट में उनसे? नहीं, कॉन्टेक्ट में था लेकिन डेथ के टाइम पे नहीं था, वो बहुत एकदम रॉ गांव का आदमी था, उसको एक सीन था वो किमी को रेप करना है, तो सुभाष जी बोले तू पकड़ना किमी को रेप करने जाना, हाँ। वो बोला सर मैंने कभी लड़की को जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, बोले कुछ नहीं तू जा पकड़ मैं बोलूँगा आग तो ऊपर देखना आग, तो अभी वो पकड़ा वो काय का छोड़ता है आग वाग कुछ भी जाने दो, तो उसको कैसे कैसे निकाला ऐसे, मतलब यू नो
कहते हैं कि वीराना रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जो रामसे ब्रदर्स हैं उनमें से किसी के साथ ऐसा कुछ हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रू बात है, हो सकता है, क्योंकि ऐसी ऐसे किस्से होते हैं। अच्छा, और वो बोलते थे रियल है, ये है, मैं सोचता था प्रोड्यूसर ऐसे ही बोलते हैं, रियल है, चलो ठीक है काम करते हैं। अभी आपके साथ हुआ कोई ऐसा हॉन्टेड इंसिडेंट? ऐसे मतलब होते हैं, भूल भी जाते हैं, जाते होते बहुत सारे होते, क्या बताऊं अभी मैं, बहुत लंबी कहानी है। जी, वीराना सुपर हिट हो गई, जो लोग आपको कह रहे थे ये क्या कर रहा है, वो लोग तो सब गलत साबित हो गए। इसके बाद कैसा रहा आपका करियर? उसके बाद और फिल्में साइन की मैं। जी, जब लोगों ने देखा टार्जन हिट हो गई, साइन किया, वीराना हिट हो गई, फिर एक दिलरुबा टांगे वाली पिक्चर थी, मैं और प्राण साहब और एक नई लड़की थी साउथ की, श्रीवृद्धा, वो पिक्चर भी सुपर हिट हो गई। तो एक और ऐसी पिक्चर है, दो चार हिट हो गई, तो लश्कर, एक देवानंद देव साहब के साथ मैंने लश्कर पिक्चर की, वो भी सुपर हिट हुई। मैं आदित्य पंचोली, देव साहब, मैं आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी ऐसे जी थे, वो भी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। तो काम जब हिट होती है तो पिक्चरें मिलती है ना। लेकिन लीड हीरो से धीरे धीरे कहीं ना कहीं साइड रोल्स में आए, 90s आते आते फिर नए एक्टर्स आ गए, सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर, अजय, ये सब, और वो भी फिर बॉडी बनाने लगे, वो भी इसी लुक में, इसी लुक में आना चाहते जी, थे जी। लेकिन वो तब भी लीड एक्टर के रूप में काम कर रहे थे, इस पर क्या कहना है, जो 90s में चेंज आया करियर वाइज आपका? हाँ, तो मैंने देखा कि अभी ये दूसरी रोमांटिक फिल्में चालू हो गई, यू नो, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, ये सब सब रोमांटिक। तो फिर मैं एक्शन फिल्में कर रहा था, फिर मेरे को इंडस्ट्री वाले बारे नेगेटिव कर लेना, नेगेटिव करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्टर आपका है ना, एज ए हीरो कर रहे हो, लेकिन विलन भी करो, उसमें परफॉर्मेंस करने का आपको मौका मिलेगा। तो करते करते विलन भी की, तेलुगु में भी की, तमिल में की, मलयालम की, कन्नड़ की, करते करते अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी आउटडोर था जबलपुर है ना। मिथुन दा के साथ आपने तब काम किया जब वो सबसे ज्यादा फिल्में कर रहे थे, 89 में मिथुन दा का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर, तो उनके बारे में क्या, उनका काम करने का तरीका, इतना काम कैसे मैनेज करते थे वो एक साथ? क्या हुआ, एक मेरे दोस्त है बड़े भाई की तरह, एक वक्त ऐसा आया उन्होंने होटल बनाई काफ़ी बड़ी बड़ी वो, और सडनली फिल्म इंडस्ट्री का काम रुक गया, वो ऊटी चले गए, पिक्चर नहीं। और फिर एक प्रकाश मेहरा जी फ़ोन किए, दलाल पिक्चर है मिठुन, आ रहा हूँ मैं यूनिट लेके, वो दलाल हो गई हिट। अब दादा ने देखा इतने साल में काम नहीं किया, फिर उन्होंने सोचा काम करो अभी। अच्छा, तो वो फिर डे क्या नाइट क्या बहुत मेहनत की उन्होंने जी, सुबह 10 बजे से लेके रात में 1-1 बजे तक शूटिंग की। तब ये भी एक कहा गया था कि अगर मिथुन चक्रवर्ती अवेलेबल नहीं है, मिथुन के पास डेट्स नहीं है, तो हेमंत बिरजे को लेते थे उनकी जगह, मतलब इतना वो हो गया था। नहीं, उसका तो अलग ही वो था, दादा का तो डांसर हीरो था, तो ठीक है, लेकिन ऐसा कई होता है, वो नहीं तो ये सही, वो नहीं तो ये सही होता है, सबके साथ होता है। करेक्ट। आपने शाहरुख खान की भी तारीफ की और बताया कि काफ़ी अच्छे इंसान हैं, कब मुलाकात हुई, क्या एक्सपीरियंस था शाहरुख खान? शाहरुख खान जब इन्होंने नया नया बंगला लिया था, तो हम होली के लिए उनके घर पे गए, मैं, हमारे कुछ एक्टर साथी, तो बड़ी वो बंगला काम ही चल रहा था, सब कुछ रखा हुआ था वहाँ, भांग भी थी, अपने सारे इंडस्ट्री के एक्टर भी थे, तो बड़ी खातिर की शाहरुख ने। फिर उसके बाद मेरे को 1-2 बार मिले, फिर मैंने एक बार उन्होंने मेरे को उसमें वैनिटी में बुलाया, बोले हेमंत, हेमंत को बुलाओ, तो मैं बैठा, तो सब मेरे को स्टोरी बताते हो क्या क्या, बॉडी का, बॉडी कैसे वो, फिर बेटे का बताया, 8 एब्स आ गए अभी, अच्छा हो गया, हेलो वेरी गुड। उन्होंने, मैं बोला भाई एक पिक्चर मेन विलन करनी है आपके साथ, मेरे को बोले पक्का करेंगे। उसके बाद से अभी मुलाकात नहीं हुई,
करेंगे, क्या बात, डेफिनेटली नसीब में हुआ तो डेफिनेटली आप करेंगे फिल्म. मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने करियर के इनिशियल दौर में स्टारडम देखी थी, और उसके बाद वैसी स्टारडम नहीं देखी, फिर भी आप इंडस्ट्री में अभी तक एक्टिव है, क्या पॉजिटिविटी से आप मतलब एक्टिव है इंडस्ट्री में? कई लोग टूट के निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, गए कई लोग, नशा करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. गॉड इज ग्रेटेस्ट, माँ बाप की दुआएं, यार दोस्तों का प्यार है. और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगे, बस कुछ बातें हैं जो बचा के रखा है, वो उसके मन में क्या है, यू नो आई एम डूइंग गुड वर्क, अच्छी पिक्चरें कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ. क्या बात है, मतलब पॉजिटिव रहने का मंत्रा क्या है? हाँ, टिके रहने का मंत्रा, बिकॉज आई एम अ लियो, लियो ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचते हैं. सोचो तो पॉजिटिव. संजू देखो, संजू दत्त देखो, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स अभी तक एक्टिव है. फिर अभी मिलना होता है सलमान खान, संजय दत्त वगैरह से? हां मिलते हैं ना, अच्छे से मिलते हैं, दोस्त है सारे. क्या बात है. आपने ये बताया कि कई बड़े एक्टर्स थे जो आपकी पर्सनैलिटी से इनसिक्योर होके आपके साथ काम करने से मना कर देते थे. सलमान खान की अगर बात करें तो एवरेज हाइट है, उनकी भी कुछ खास हाइट नहीं है, उनके साथ आपने गर्व में काम किया, सलमान इनसिक्योर नहीं हुए? नहीं नहीं, वो दोस्त है, वो दोस्त आज से नहीं है, वो 1987 से मेरे दोस्त हैं. उसने कभी ऐसा किया नहीं, कभी ऐसा वो नहीं किया उसने काम, और किसी भी सीन में फ्रेम में उन्होंने उन्हें ये नहीं लगा कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो काम करता है अपना कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो ना तो करता है. करेक्ट, सलमान नोज ही इज अ स्टार. हां ग्रेट. हेमंत जी, कुछ समय पहले खबर आई थी कि आपका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, और तब आपके फैंस काफी चिंतित हो गए थे, क्या हो गया था? मैं जा रहा था पूना, मेरा घर है उधर, काफी रिलेटिव्स है, और मैं जा रहा था साहब वहाँ एक ढाबे पे, रस्ते में ढाबा आता है हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे, उधर चाय पी, मेरी वाइफ थी, बच्ची थी साथ में, वो चाय पी, वो चाय में वो लोग जायफल डालते हैं, जायफल होता है जी, एक ऐसी चीज़ है जब बचपन में बच्चे सोते नहीं तो उनको चटा देते हैं, वो उन्होंने चाय में डाला. अच्छा, टेस्ट आने के लिए. अच्छा, अब मैं चला रहा हूँ, पूना के टोल के पास पहुँचा तो सो गया मैं, चलाते चलाते ऑफ टोटल, और बच्ची बोल भी रही, पापा क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो, अब मैं क्या रिवर्स मार रहा हूँ, लेफ्ट मार रहा हूँ, कुछ नहीं, गाड़ी ऐसी हो गई, मुझे एक खरोच नहीं आई जी, बचा लिया जी. बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ, वाइफ को थोड़ा बहुत सा लगा, लेकिन गाड़ी तो टोटल लॉस. तो ऐसा है, थैंक गॉड कि अब फैमिली को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी. आप अभी क्या काम कर रहे हैं, कैसे आपका दिन गुजरता है, किस तरह की फिल्में कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए. अभी मैं एक हिंदुस्तान मेरी जान जबलपुर करके आया, फिर अभी सूर्या रिलीज़ हुई, इसके पहले भीगे होठ तेरे गेटी गैलेक्सी में प्रीमियर हुआ, वो चौथे वीक में रनिंग है अभी. क्या बात है, क्या बात है. निकी बत्रा डायरेक्टर है जी, और CBI ऑफिसर का रोल है, और तीन लड़कियां हैं, कहानी ऐसी है, वो मर्डर मिस्ट्री उसको सुलझाता हूँ, ऐसा सब है. और अभी भी एक नेगेटिव कर रहा था, काफ़ी नेगेटिव पिक्चरें कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी कर रहा हूँ जी, हीरो का नहीं लेकिन पॉजिटिव रोल भी करता हूँ जी. हाँ अभी मतलब है 8-10 पिक्चरें कर रहा हूँ मैं अभी जी. आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपके आने के बाद इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डअप किया, जिसमें संजय दत्त, सनी देओल, सलमान खान, इन सब का नाम शामिल है. आप किसकी पर्सनालिटी के फ़ैन हैं? विनोद खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन साहब, आपको किसकी पर्सनालिटी? मैं फ़ैन था विनोद खन्ना जी का जी. अब वो विनोद खन्ना, मैं कमांडो की शूटिंग कर रहा था, मैं और डैनी मिठुन फिल्मिस्तान में सेट लगा हुआ था, तो डैनी बोला यार हेमंत चल जरा विनोद को मिल के आते हैं. तो मैं ला चलो, वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे होते विनोद जी, नई पहली पिक्चर इंसाफ जी, तो गए बैठे. डैनी ने बोला विनोद ये हेमंत है, बाजू में बैठा, बात बात किए, फिर इधर सर रख दिया, तेरे को देखता हूँ ना मेरे को मेरी जवानी याद आती है. क्या बात है, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट. तो आपके शो के जरिए आज मैं लोगों को बता रहा हूँ, विनोद जी तो नहीं रहे, ग्रेट मैन,
फिर उसके बाद डलहौजी एक और अनिल शर्मा की पिक्चर करने गए थे। वहाँ जैसे रूम में जाऊँ, हेलो हेमंत क्या कर रहा है, मतलब बैठा हूँ विनोद जी कम टू माय रूम, रोज़ का उनका काम। फिर मैं टी शर्ट वी शर्ट पहन के, इधर नहीं पहनने का टी शर्ट, इधर बर्फीली हवा चलती है, बर्फ गिरती है, इज़ टू टेक केयर हर लाइक अ बिग ब्रदर, यू नो, वेरी नाइस मैन। क्या बात है, आज के एक्टर्स सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डअप पे ध्यान देते हैं, एक्टिंग 19-20 होगी चलेगी, लेकिन सब ने अपने एब्स को सिक्योर करके रखा है, और जिनके नहीं है वो भी बना के आ रहे हैं। आयुष्मान खुराना ने बनाया, शाहरुख खान ने बनाया, सब ने बनाया। आज के एक्टर्स में किसकी पर्सनालिटी आपको पसंद है? मुझे शाहरुख खान की बॉडी अच्छी लगती, क्योंकि मैं जानता हूँ बॉडी के बारे में। अच्छा। He's got good personality. जी। अभी बाकी लोग नाराज हो जाएंगे तो आई एम सो सॉरी दोस्तों, और सलमान भी अच्छा है जी। और क्या है, आपको आप स्क्रीन पे जब जाते हो ना, 50% आपकी पर्सनैलिटी काउंट होती है। विनोद खन्ना पर्सनैलिटी 50%, ऊपर 10-20% एक्टिंग कर लेते थे तो सामने वाले खा जाते थे, नाम नहीं लूँगा, हर पिक्चर में खा लेते थे। वो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बात ही और होती है। एंड ही वॉज वेरी हैंडसम गाय, वेरी गुड लुकिंग गाय, यू नो, ऐसा। पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, कौन कौन है फैमिली में, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरा बेटा जो है शाहरुख खान के पास काम करता है, रेड चिलीज में है, रेड चिलीज में है। और बेटी जो है वो डीजे है टॉप पे, सोनिया विरजे। अच्छा। आजकल अच्छा कर रही है जी, काफी उनके आर्टिकल्स और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल है जी, जी। और बेहद ब्यूटीफुल भी हैं वो। हाँ, काफी टॉल है, गुड लुकिंग है। सो बाकी ठीक है, सबको बच्चे अपनी किस्मत लेके आते हैं ना। yes. हर एक की अपनी किस्मत है। yes. इतना मेरा ये है कि मेहनत करो, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। इंडस्ट्री में इतना लंबा समय आपने गुजारा है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने करियर से? अभी तो मैं हिंदुस्तान या वर्ल्ड में कहीं भी जाऊँ, लोग आगे ये करते हैं तो खुशी होती है। लेकिन अभी अच्छे रोल करना है मुझे, जो रोल मेरी ख्वाहिश है ना जी, अभी तो सीखते सीखते सीख गया थोड़ा। कौन सा रोल आपका ड्रीम रोल है, किस तरह के रोल्स आप आगे करना चाहते हैं? मैं जैसे अमजद भाई ने किया था शोले में, वैसे टाइप का रोल, कब्बर ऐसे रोल करना चाहता हूँ। वी होप कि आपको उस तरह के रोल्स भी मिले, और आप और भी ज्यादा फिल्में करें, सोशल मीडिया पर थोड़े एक्टिव हुए, क्योंकि अब इंडस्ट्री वाले सोच रहे हैं कि टार्जन से रिलेटेड नई फिल्म बनाए, लेकिन वैसे बना नहीं पाए। रेनबो फिल्म अनाउंस हुई थी टाइगर श्रॉफ को लेकर, लेकिन वो उस फिल्म का अनाउंसमेंट के आगे कुछ हुआ ही नहीं। आज की डेट में टार्जन बनती है तो किसे आप टार्जन के रूप में? मैं ओनली हेमंत बिरजे, मैं फिर टार्जन बनूंगा, आई एम फिट लाइक अ टार्जन। यस यस, अभी फिर बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा अगर मालिक ने चाहा तो। क्या बात है, तो ये थे हमारे साथ हमारे वेरी ओन टार्जन हेमंत बिरजे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की है। बॉलीवुड ठिकाना पर अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।